नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सर्दी आते ही, दिवाली बीतते ही और खरीफ फसल कटते ही एयर पॉल्यूशन का जो बम है वो फटना शुरू हो जाता है। हर साल की कहानी बन गई है ये। इस कहानी में सारे किरदार वही हैं, बस पुराने हैं, लेकिन कुछ जो बदलता है वो है तारीख और लंबी होती बीमारियों की लिस्ट। बिल्कुल, हर साल नवंबर का महीना शुरू होते ही धूल धुआं और नमी वाली जहरीली चादर आसमान में छा जाती है, सांसों पर इमरजेंसी लग जाती है, पूरा नॉर्थ इंडिया एयर पोल्यूशन की गिरफ्त में आ जाता है। ज्योत्सना, सबसे बुरा हाल तो दिल्ली एनसीआर का है जी, जो गैस चैम्बर बन गई है और आबोहवा इस कदर जहरीली हो गई है कि इंसान क्या, कुदरत का भी दम घुटने लगा है। और दम घुटे भी क्यों ना, आप दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ही देख लीजिए अमित, जो डेंजर लेवल से काफी ऊपर पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी पुअर और वेरी पुअर नहीं बल्कि सिवियर लेवल में पहुंच चुकी है और यही हाल एनसीआर का भी है। वैसे ज्योत्सना, देश की राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात होती रही है, लेकिन एयर क्वालिटी के मामले में दुनिया के सामने हम कहां हैं ये देखना जरूरी है। और ये हाल तब है जब कोरोना के हमें वजह से लंग्स और सांसों की अहमियत समझा चुका है। वैसे ये हाल सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही नहीं है, देश में और 21 ऐसे शहर हैं जहां की हवा जहरीली हो चुकी है अमित। और ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि इस प्रदूषण से एलर्जी, टीबी, ब्रोंकाइटिस के मरीजों का जीना मुहाल हो जाता है। और सबसे हाल जो होता है, बुरा होता है, वो किसका होता है, एस्थमा के मरीजों का। पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है, हवा किस धुएं से खराब हो रही है, इस डिबेट में ना पड़े तो ही बेहतर है, क्योंकि अपनी सेहत और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कम से कम अपनी तरफ से कदम उठा सकेंगे। अब सवाल है कि ये होगा कैसे, और ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। शंख की ध्वनि के साथ आप जो बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने फेफड़ों को मजबूत रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा संदेश। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, सुमित जी, आपको स्वामी जी स्वागत है आपका। और देखो, हम तो यहाँ जंगलों के बीच में, झाड़ियों के बीच में शंख बजा रहे हैं। यहाँ तो प्रकृति और पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ समस्याएं हैं उनको भी हम आज बाहर निकालेंगे। लोग घरों में उठ करके सुबह एक बार ऐसे शंखनाद कर लें। ये गुब्बारे फुला ले, जैसे सब गुब्बारे फुलाने में लगे हुए, इनके फेफड़े भी बड़े मजबूत हो गए, नहीं तो पहले अमरे और तंबरे बहुत बुरी हालत थी इनकी। इधर तो ये गुब्बारे फुलाने वाला, शंख बजाने वाला प्रोसेस चल रहा है। इधर इस भाई को लिटा रखा है, कुछ सोच रहे होंगे कोई इसको सांसों का संकट तो नहीं आ गया है, इसको मसाज कर रहे हैं, इसको बड़ा मजा आ रहा है आज। इसके मसाज करके फिर नाक में ये अणु तेल डालते हैं। ये अणु तेल ऐसे ही 5-5, 10-10 बूंद डाल दिया, इसको जोर से बंद करो पहले, और अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल, कोई भी एक तेल डाल देने से एकदम ये 5-5, 10-10 बूंद ऐसे, 5-5, 10-10 बूंद ऐसे नाक में डाला और ये अंदर तक असर करता है। सरसों का तेल, अणु तेल सबसे बेस्ट है घर में, सरसों का तेल। फिर ये गुब्बारा फुलाने के अलावा स्पायरोमीटर का भी प्रयोग है, आज बहुत जबरदस्त प्रयोग इधर भी चल रहा है। ये जो बहने हैं, अब लोग कहेंगे स्वामी जी ये बहनों को हुक्का पिलाना कब से शुरू कर दिया है, तो ये तो क्या नाम बेटा, रेशमा, इसको भी भयंकर अस्थमा था, अब इसने फेफड़े इतने अच्छे बना लिए हैं कि ये एक साथ 5-5 मोमबत्तियों को बुझा सकती है, जलाओ। और रेशमा को पहले अस्थमा था, और ये माँ को भी, ये गुजरात की माता है, इसको भी अस्थमा था, रमीला। और तुम्हारा क्या नाम, खुशबू, चलो करो। अब खुशबू को जो है माचिस देना एक बार बेटा, और जो है ये एक तो इसमें मुलैठी और गाय का घी है, मुलैठी गाय का घी दोनों मिला करके स्वामी जी, और फिर उसका आप जिस तरह से सारी चीजें दिखा रहे हैं, इस बीच एक बात जो डॉक्टर गुलेरिया ने की है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, लेते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, दर्शकों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। रणदीप गुलेरिया जी जो डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को सावधान रहने के लिए जरूरत है
जो पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, गुलेरिया साहब ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस प्रदूषण में अधिक देर तक रहता है और जिन इलाकों में प्रदूषण अधिक होता है वहां कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है। आपको सुनाते हैं डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा। प्रदूषित जो हवा है हमारे सांस की नाली में और फेफड़े में जाती है, तो वहाँ वो भी सूजन करती है, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन करती है। कोविड के कारण भी फेफड़ों में निमोनिया होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो लंग्स में ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके कारण कोविड जो है ज्यादा सिवियर हो जाता है। जी स्वामी जी, तो देखो एक साथ बुझाओ इसको, फूंक मारो। अब इसकी एक इसकी फूंक इतनी मजबूत होगी, एक साथ ही ये तो पांच रखी थी, ये 21 तक बुझा सकती है। और इधर ये हमने ये गाय का घी और मुलेठी उसका धूम्र है। अब ये धूम जब जाता है मुंह से और नाक से, दोनों से लेते हैं, इससे नाक से निकल रहा है और इधर से इसकी माँ को, ये माँ इसकी, इसको बैंकर अस्थमा था 20 सालों से, रेशमा, क्या नाम है, रमीला। और इसका अब स्टीराइड बंद हो चुका है, सारी एलोपैथी की दवा बंद हो चुकी है, ऐसे ही ये सारे अस्थमा ठीक करके बैठे हुए हैं। तो आज जो है हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, चलो लंबे गहरे श्वास भरो। बिल्कुल स्वामी जी, जैसा आप बता भी रहे थे कि ये वो उपाय हैं जिनको हम घर में कर अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। प्रदूषण सबसे पहले लंग्स पर हमला करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का इकलौता उपाय तो आपने बताया, लेकिन और कौन कौन से योगाभ्यास प्राणायाम हम करें जिससे हमारे जो लंग्स की पावर है वो इंटैक्ट रहे। देखो मैं 5 मिनट तक इसको बोलता था, अब मैं 25-30 मिनट तक लोगों को कराता हूँ जिनकी लंग कैपेसिटी कमजोर हो गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया है, लंग्स के जो फेफड़ों के एल्वोलाइज हैं जब कमजोर हो जाते हैं तो एक के बाद दूसरा जो एल्वोलाइज एक दूसरे को खराब करता जाता है, और 70-80-90% तक जिनके फेफड़े खराब हो गए थे। एक तो तेजी से ऐसे भस्त्रिका करना, दूसरा जिनको कफ कोल्ड ज्यादा है ना वो आराम आराम से करें, वो ऐसे नहीं करना, ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए। वो शुरू में ऐसे 10 बार तक, पहले तो 3 ही बार हो पाएगा, फिर 5 बार, फिर 10 बार, देखो ऐसे। पांच ही बार करेंगे तो थक जाएंगे, फिर लगातार धीरे धीरे 10 बार। मैं तो ऐसे 50 बार तक कर लेता हूं क्योंकि मेरे फेफड़े तो मजबूत हैं, और इससे स्पायरोमीटर को भी जैसे इसे जोर से फूंक मारते हैं ना तो ये नीचे जो है 400-500 तक चला जाता है। इसे पूरी जोर से फूंक मारेंगे तो पता लगेगा आपका लंग की कैपेसिटी कैसी है। अब ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक उपाय तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, दूसरा कपालभाति है, तीसरा उज्जायी है, चौथा अनुलोम विलोम है, पांचवा सूर्य भेदी है, और फिर आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भर के ऐसे रोक के रख लिया, अथवा उज्जायी में ही ऐसे ऐसे भर के रोक के रख लिया, और भर करके जब रोक करके रख लेते हैं तो धीरे धीरे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। अब ये तो करना ही करना है, फिर इसके साथ देखो हमने एक उपाय बताया जिनका गला बहुत खराब हो जाता है, अंदर से जैसे पक जाता है, टोन्सिल तक हो जाते हैं, खांसी, कफ, कोल्ड, बुरा हाल हो जाता गले का, तो नशे तो बताया था शुरू में हमने, ये इधर से पानी के अंदर दिव्य धारा डाल करके और उसका स्टीम लेते हैं। एक हमने बता रखा है ये रीठा और त्रिकुटा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, उसको तो त्रिफला बोलते हैं, सोठ, पीपल, काली मिर्च, सोठ, पीपल और काली मिर्च इसको बोलते हैं त्रिकुटा,
एक चुटकी त्रुकुटा और एक ये रिठे का फल रात को पानी में भिगो दिया और सुबह ये ऐसे इस पानी को छान लिया। अब इसको जब नाक में डालते हैं ना, तब एक ही बार में 100 से 200 ग्राम कफ कोल्ड निकल जाता है पूरा। एक तो ये उपाय, दूसरा देखो इधर लेट जाओ बेटा, इसको एक को तो ये हल्दी अदरक लहसुन प्याज और दिव्य धारा उधर डाली हुई है, हल्दी लहसुन प्याज अदरक और उसमें फिर दिव्य धारा डाल करके और फिर ये पेस्ट लगा देते हैं। और एक जिनको बहुत ज़्यादा होता है कफ कोल्ड उनको सीधा पतंजलि बाम लगा देते हैं और ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट देते हैं और उससे फेफड़े एकदम मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए फिर जैसे हमने आपने देखा ये पहले तो बीमार थे, अब ये एक क्षण के अंदर ही ऐसे मोटे मोटे गुब्बारे फुला रहे थे, क्योंकि पहले इनके फेफड़े कमजोर थे, अब इनके फेफड़े हमने कर दिए मजबूत। ऐसे ही मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के फेफड़े मजबूत रहे। और इधर से फिर ये भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे फिर ये नस्य, नस्य भी दो तरह का, एक अणुतेल का नस्य और दूसरा हमने मुलाठी और गाय का घी, थोड़ा कपूर, कपूर भी उसमें भीमसेनी को कपूर डालते हैं, केमिकल वाला कपूर नहीं, उसका नस्य देते हैं, उससे कफ कोल्ड एकदम रिलीज हो जाता है। अब भस्त्रिका के बाद कपाल भाति, उज्जायी, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, अभ्यंतर प्राणायाम तो है, एक ये उष्ट्रासन है, बड़ा जबरदस्त है स्वामी जी। उष्ट्रासन, गोमुखासन और भुजंगासन, फिर जो कर सके उनसे हम उष्ट्रासन के साथ साथ उनको चक्रासन और धनुरासन भी करा देते हैं। 5 आसन कर लिए मात्र, चक्रासन धनुरासन थोड़े कठिन है, भुजंगासन गोमुखासन और उष्ट्रासन तो सभी कर सकते हैं। ऐसे ये फेफड़े को एकदम फौलादी बना देते हैं स्वामी जी। और फिर ये कफेष्टी है, मेरे सामने औषधियां रखी है, देखो ये कफेष्टी, उससे हवन करवाते जी अमित भाई। स्वामी जी क्योंकि आपको हम देख रहे हैं, आप खुले में जिस तरह से योग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है। आज सुबह दिल्ली का जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 476 पहुंच गया है, जो कि रेड अलर्ट है। और ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत ये होती है कि खांसी नहीं रुकती है, तो उसके लिए भी क्या उपाय है वो भी बताएं स्वामी जी। तो देखो आसन तो मैं बता रहा हूं, 5 आसन आज स्पेशली अस्थमा के लिए और भस्त्रिका के साथ करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ गोमुखासन करो बच्चों, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, कुछ तो उज्जाई करते उसी में खांसी होने लगती है। तो इसके लिए एक उपाय है, एक भाई ये लेकर के बैठा गरारे के लिए, करो ये गरारा। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें एलोवेरा डाल दिया हमने, एलोवेरा 100 ग्राम पूरा लीफ सहित, और ये एलोवेरा 100 ग्राम लेके इसमें हल्दी मिला दी 10 ग्राम हल्दी ली और इसको सेंधा नमक थोड़ा डाल दिया। अब इसका गरारा करो मुंह में डाल करके और गले में करीब 10-20 सेकंड ऐसे रोक के रखो। अब एक ही बार में गला अच्छा हो जाता है, कितना जबरदस्त है। और इसका अद्भुत लाभ है, जो हम बाकी सामान्य गर्म पानी से गरारा कराते तो थोड़ा हल्दी डाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, अब मैंने देखा अंदर के घाव सारे भर जाते हैं। और बहुत ज्यादा आपने बोला ना खांसी हो जी, तो कंठामृत, कंठामृत मात्र 2 गोली भी ऐसे, 1-2 गोली ऐसे चूस ली, गले के अंदर कंठामृत गई और खांसी गायब। बाकी तो हम खदरे आदि वटी, लवंग आदि वटी देते ही थे। और गर्म पानी में या दूध में आप शिलाजीत, शिलाजीत का ये लिक्विड शिलाजीत, शिलाजीत के कैप्सूल, शिलाजीत की वटी, शिलाजीत रसायन, अब हमने ये शिलाजीत का ये लिक्विड तैयार कर दिया, ये गर्म पानी के अंदर ऐसे शिलाजीत के ये शिला तुलसी अथवा शिला तुलसी, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, शिला तुलसी
अथवा ये शिलाजीत के ड्रॉप ये ऐसे ही डाल देते हैं और इसको हिला देते हैं। अब ये शिलाजीत का ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त है और बच्चों के लिए शिला तुलसी ड्रॉप, ये स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, ये तो देते ही सो देते थे हम, लेकिन इनके साथ साथ ये शिला तुलसी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन भी बच्चों को ये तकलीफ़ है उनके लिए ये जो है शिला तुलसी एक रेडीमेड एकदम ऐसे डाला पानी के अंदर और इसको 5 बूंद डाल करके पी गए। शिला तुलसी या शिलाजीत ये ड्रॉप डाल करके पी लेते तो एकदम से खांसी और कफ कोल्ड, और जिनको बहुत ज़्यादा ये हो कफ कोल्ड तो उनका खाना बंद कर देते हैं। उनको खजूर खिलाते हैं खाने में, खाली खजूर खिलाते हैं, ये खजूर और चना, खजूर और मात्र ये चने का सेवन कराते हैं। अब ये चना जो है ये कफ की औषधि है, और चना ज़्यादा नहीं खाना, ऐसे ही थोड़े से 85 ग्राम चने खिला दिए। स्वामी जी मुलेठी भी क्या इसके साथ साथ ले सकते हैं जिन्हें कफ हो, कफ की वजह से गले में दर्द हो? हाँ, तो देखो उष्ट्रासन और गोमुखासन के बाद ये भुजंगासन, मुलेठी काली मिर्च मिश्री और थोड़ा लौंग को भून करके अजवाइन ये मुंह में डाल लेते हैं ना, एकदम से कफ कोल्ड नियंत्रित हो जाता है। भोजन बंद करके जब भी प्यास लगे दिव्य पेय पीना, जब भी भूख लगे तो भुना हुआ चना खाना, अथवा डायबिटीज नहीं है तो खजूरी खाना, 3 दिन के अंदर कितने भयंकर कफ कोल्ड अस्थमा दमा यहाँ तक कि लंग फाइब्रोसिस सार्कोडायसिस तक हमने अच्छा किया। अब इसको भुजंगासन को। स्वामी जी ये तो बात हुई पॉल्यूशन और खराब मौसम में गले को, खराश को, खांसी को कैसे दूर किया जाए। अब जिन्हें पहले से अस्थमा है उनके लिए मुश्किलें पॉल्यूशन के टाइम पर और बढ़ गई हैं, ऐसे में अस्थमा के अटैक से बचने के भी टिप्स बता दीजिए, क्योंकि खांसी का अटैक तो का जो एहसास है वो तो बना रहता है और बहुत ही असहाय दर्द भी रहता है। देखो जिनको अस्थमा है ना उनको यहाँ से शुरू करना चाहिए, उल्टे लेट करके यहाँ से लंबे लंबे श्वास लें, पहले मकरासन, फिर भुजंगासन, फिर धनुरासन, फिर जो कर सके उनको लिए हमने बताया तो उष्ट्रासन भी बताएंगे, और जो है चक्रासन और गोमुखासन, ये 5-6 आसन भी कर लिए, और प्राणायाम पूरी शिद्दत के साथ करें। ठंडा पानी ना खाएँ, घी ना खाएँ, घी तली हुई चीज़ें देखो बंद करनी पड़ेंगी, और मैंने कहा थोड़े दिन तो खाना बंद करके खाली चने की, पूरा चना छिलके सहित, बेसन की नहीं, चने की रोटी खाएं, चना या बेसन की रोटी खाएं और चना ही खाएं और खजूर ही खाएं, बाकी खाना बंद कर दें। जब भी प्यास लगे तब दिव्य पेय का पानी पिए, ये दिव्य पेय हमने लोगों को बहुत बताया, दिव्य पेय और स्वासारी पेय, ये तो इसके लिए रामबाण औषधियाँ हैं। फिर जो है मकरासन के बाद भुजंगासन ऐसे भी और भुजंगासन ऐसे भी, स्वासारी और पंचकोल, स्वासारी और पंचकोल का जो काढ़ा होता है बहुत ही अद्भुत होता है, सुबह खाली पेट या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी, और ज़्यादा ही बढ़ जाए तो स्वासारी गोल्ड ही है, स्वासारी गोल्ड 2-2 कैप्सूल सुबह शाम शहद के साथ या गर्म पानी के साथ दे देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये भुजंगासन। फिर जिनसे हो पाए उनसे सलभासन और धनुरासन भी कराते, इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं, और जिनका शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है उनसे उष्ट्रासन भी ऐसे करवा देते ऐसे। अब ये फेफड़े के लिए ज़बरदस्त उपाय है, ये ना हो पाए तो क्या करें, तो इतना ही कर लें, देखो ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे घुमा लें, और ये जो उपाय बताए मैंने स्वासारी खाली पेट और खाने के बाद लक्ष्मी लाल संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस ले लें। एक हमने दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश का तो प्रयोग बताया था, हल्दी कफ कोल्ड अस्थमा टीबी और कैंसर के लिए परम औषधि है, उसका कर्क्यूमन सबसे जो एक्टिव पार्ट होता है 1 किलो में वो मैंने प्रतिशत हमें देखे तो 5% होता है, 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम होता है लगभग। अब 100 ग्राम कोई हल्दी ऐसे तो खाना बड़ी दिक्कत वाली बात है, शरीर में गर्मी हो जाएगी, तो हमने कर्क्यूमिन गोल्ड करके कैप्सूल बना दी। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो कैप्सूल है
यदि कोई खाली पेट ये खा लेता है कर्क्यूमिन गोल्ड, बहुत ही जबरदस्त चीज है, माने कफ कोल्ड के लिए इससे बेहतर, माने ये उनके लिए जैसे कहते हैं ना सोने जैसी चीज है जो है। इसको सुबह उठ करके दो गोली खाली पेट गर्म पानी के साथ ही इसकी खा ली जाए, ये इतनी बढ़िया चीज़ है, ये ऐसी सोने जैसी इसकी गोलियां हैं। लेकिन ये गोली, दो गोली भी किसी ने ऐसे खा ली इसकी सुबह सुबह दोपहर शाम दो गोली खा ले तो कितना ही भयंकर कफ कोल्ड हो, उसके लिए रामबाण है कर्क्यूमिन गोल्ड। और ये ऐसे ऐसे कर लें, ये ऐसे ऐसे कर लें, ये ऐसे ऐसे। और मैंने कहा घी नहीं खाना, ठंडा पानी भी नहीं पीना। और ये उपाय कोई कर लेगा, अब गलत फहमियाँ क्या हैं, चलो फिर से भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका, कपाल भाती अनुलोम विलोम। डॉक्टर लोग बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, ये कुंठा है, ये भ्रांति है, ये झूठा प्रचार है, दुष्प्रचार है। मैं कहता हूँ दमा एकदम जाता है, एक दिन से लेकर के 5-7 दिन के अंदर हम लोगों का दमा कफ कोल्ड अस्थमा ठीक कर देते हैं। रीठे का पानी नाक में डाल के, सरसों का तेल, ये सरसों का तेल ऐसे ही कोई भी अपने घर में, पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल मिलता है, शुद्ध तेल कोई भी ले ले, कोई पतंजलि का लेना ज़रूरी नहीं है। सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, या ये रीठा इसका नस्से, अथवा मुलेठी और गाय का घी जो शुरू में हमने करके दिखाया था, तो ये नस्से ले लें। एक सप्ताह के अंदर कफ कोल्ड अस्थमा, दीपावली के बाद या मौसम चेंज हो रहा है, चारों तरफ पोल्यूशन के अलग अलग कारण हैं, जो भी कारण हो, अब इस पर आपने भी कहा कि क्यों है, कैसे है, इतना पोल्यूशन कैसे ठीक होगा, सरकारें क्या कर रही है, आगे की पॉलिसीज क्या हैं, पूरी दुनिया क्या कर रही है, इस पोल्यूशन के कारण से लोगों को टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, दमा हो रहा है, घुट घुट करके लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत होती है, भारत में ही लाखों लोगों की मौत पोल्यूशन के कारण से होती है। तो अब करें क्या, करें आप भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, अपने ऊपर तो आपका अधिकार है ना, तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ। मैं बार बार कहता हूँ भीतर की कमजोरी ही बीमारी है, फेफड़े कमजोर होंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी होगी, हार्ट कमजोर होगा, ब्रेन कमजोर होगा, लिवर किडनी आंतें कमजोर होगी, अंदर की इम्यूनिटी कमजोर होगी, वही तो बीमारी है, और अंदर टॉक्सिन्स फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने यदि अपने आप को मजबूत बना लिया, आपने अपने भीतर की अशुद्धि को मिटा लिया, तो आप सब रोगों से बच जाएंगे। ज्योत्सना जी, अमित भाई, बिल्कुल स्वामी जी, आपने जैसा जिक्र किया कि हम अंदर की जो अपनी शक्ति है, अंदर में जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, उनको तो मजबूत बना ही लेंगे, लेकिन इसका जो असर है, जो पॉल्यूशन का असर, हमारे बाहरी त्वचा पर भी पड़ता है, और जहरीले धुएं से एलर्जी की परेशानी बढ़ जाती है, और खासकर स्किन और आंख से जुड़ी की जो दिक्कतें हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, जिनको इसकी ऑलरेडी जिससे पीड़ित है, वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है कि हम स्किन को बचा सके, एलर्जी से बच सके, पॉल्यूशन से? हरड़ बहेड़ा आंवला, इसको रात को पानी में भिगो भिगो, इससे आंखों को धो ले, इसका पानी छान करके, नितार करके, मुंह में ठंडा पानी ऐसे भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना, गर्म पानी से नहीं धोना। ये तो है आंखों के लिए रामबाण। इसमें मुलेठी, गुलाब के फूल, और कोई दारू हल्दी, और भी दारू हल्दी, एक हल्दी की तरह ही एक पौधा होता है हिमालय में, उसकी जड़ होती है, दारू हल्दी मुलेठी गुलाब के फूल और मिला दिया तो और अच्छी हो जाएगी। और ये रात को भिगो करके सुबह इसे पानी को धो लिया, नहीं तो एक हम सोम में करके आई ड्रॉप देते हैं, सोम में आई ड्रॉप डाल लिया, और जिनको ये स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार से पोल्यूशन के कारण से फिर चेहरा पूरा खराब हो जाता है, तो ये केसर वाला अथवा ये बिना केसर वाला ऐसे ही ये माथे पर लगा लिया। अभी जैसे मैं धूप में बैठा हूँ, विटामिन डी तो पूरा मुझे मिल ही रहा है, और धूप स्नान ये बहुत जरूरी है। एक माता मुंबई से आई हमारी, उसको कफ कोल्ड अस्थमा हो गया, 4 बार उसको जो है ना वो स्टीराइड वाले कैप्सूल वो इनहेलर में लेने पड़ते थे। खड़ी हो ना अम्मा, इसने बड़े प्रयास करके, हम मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और वो छत के ऊपर जा करके इसने प्राणायाम करना शुरू कर दिया। अब क्या हाल है अम्मा,
अभी बहुत ठीक है। उम्र कितनी है? 67 की माता, एक बार जोरदार ताली बजा दो। आप 15 साल पहले मेरे पास में आई थी ये माता, 2005 में योग टीचर बन के गई, लेकिन मुंबई में ह्यूमिडिटी के कारण से और सूर्य की धूप न मिलने के कारण 10 साल मुंबई में रहने के बाद तकलीफ शुरू हुई। 10 साल तक तो झेलती रही। हाँ। और बाद में धूप नहीं मिली। बॉडी जवाब, धूप में बैठना, ये सूर्य स्नान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फिर अब कितने दिन से आप स्टीराइड बंद हो गए? 2 महीने से स्टीराइड बिल्कुल बंद है। 2 महीने से पूरे बंद कर लिए। क्या नाम है अम्मा? सपना सामा। सपना सामा जी, मेरा घर का नाम, मायके का नाम हरजीत है। हरजीत ने सब रोगों को जीत लिया हरी की कृपा से, और सपना का सपना साकार हो गया। और मुंबई की बेटी ने जो है वो ट्राइजमल न्यूरोलॉजिया, परिवार को योगी बना दिया इसने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पोल्यूशन, उसका एक समाधान ये भी है कि एलोवेरा लगा करके और धूप में बैठ करके करें तो ये स्किन, और ऐसे थोड़ा सा कपड़ा रखे शरीर के ऊपर बस लोकल अज्जा के लिए, और पूरे शरीर पर धूप लगने दे। और जिनको पूरे शरीर में कष्ट है तो पूरे शरीर पर एलोवेरा लगा सकते हैं ऐसे, जिनको अरे हाथों में और पूरे पैरों में कहीं पर भी कुछ भी हो जाए ना, ऐसे पूरे शरीर पर ऐसे एलोवेरा जेल पोत लिया और इसी धूप में बैठ करके और फिर करो। अब देखो ऐसे, ये छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल अस्थमा हो गया था, इन्होंने अपने आप को अच्छा बना लिया, मजबूत बना लिया। चलो बिल्कुल स्वामी जी, ऐसे सब करेंगे। धूप थेरेपी तो भी एक बहुत बड़ा विकल्प है अपने शरीर को, अपनी स्किन को पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो जी ऑक्सीजन ले लेंगे और खराब कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती रहेगी अपने आप। जी जी उत्सना जी। स्वामी जी, अब बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उनके सवाल आपकी इजाजत के साथ कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल वैभव का है। वैभव कह रहे हैं कि कुछ दिनों से जुकाम की वजह नाक ब्लॉक, साथ में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे कैसे बढ़ाएं और जो बंद नाक है उसे कैसे ठीक करें। तो बंद नाक खोलने के लिए एक तो ये दिव्य धारा आपने घर में भी बना सकते हैं, भीमसेनी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत, यूकेलिप्टिस का तेल, लौंग का तेल बराबर मिला करके ऐसे रख दें तो अपने आप ये लिक्विड बन जाएगा जैसे मेरे सामने आप देख रहे हो। या ये पतंजलि बाम, ये लगा लें ऐसे गले पर और नाक के ऊपर और उसमें प्राणायाम करें, और जो नस्य बताया था नस्य का सेवन करें। खाली पेट कर्क्यूमिन गोल्ड ले लें या स्वासारी गोल्ड ले लें, कर्क्यूमिन गोल्ड या स्वासारी गोल्ड ले लें, और खाने के बाद लक्ष्मीलाल संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस में से कोई भी एक गोली खा लें, या स्वासारी क्वाथ पी लें या स्वासारी प्रवाह ही ले लें, ये बहुत ज़बरदस्त है। और दिन में जब भी प्यास लगे तब मैंने कहा पानी नहीं पीना, दिव्य पेय पीना, या स्वासारी और दिव्य पेय दोनों को भी मिला करके पी लें, तो ये पूरा उपचार है। कफ, कोल्ड, नजला, नाक बंद है कितने, और जल नेति सूत्र नेति भी कर सकते हैं। देखो हमारे बच्चे आ गए, ये योगाचार्य हमारे, ये ऐसे एक नाक में मुँह खोल के रखा और एक नाक में ऐसे लोटा लगा दिया तो दूसरे से अपने आप नाक से श्वास नहीं लेना, मुंह खुला रहेगा और दूसरे नाक से ऐसे पानी की धार बहने लग और वो नाक से डाल करके मुंह से निकाल दिया। ये सूत्र नेति कर ले। सूत्र नेति करने से पहले रात को सरसों का तेल, अणु तेल या बादाम रोगन नाक में जरूर डालें, उससे नाक के अंदर थोड़ा सा स्निग्धता आ जाती है और किसी भी प्रकार से ब्लीडिंग बंद रहते। और नस्य जो इधर दाई तरफ हमने लिटा करके भी दिया मसाज करके, और ये इधर बाई तरफ ही बिटिया ने जो किया, क्या नाम है गुड़िया, खुशबू फिर से करो, खुशबू को हमने खुशबू दिए मुलेठी की और गाय के घी की, मुंह से लेकर के नाक से निकालना ऐसे, और नाक से लेकर एक नाक से ऐसे। तो ऐसे ये उपाय हैं और ये परंपरा से थे ये उपाय, बीच में लोग भूल गए, उन्हीं की याद हम दिला रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। आप नाक का जिक्र कर रहे हैं तो सवाल भी काका को है, उनको नींद खड़ाटे आते हैं, क्या उपाय है? अलका ने सवाल पूछा है और ये बहुत से लोगों की समस्या है। हाँ, ये रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसके लिए एक तो उज्जाई करें। मैंने लोगों के खर्राटे 3 दिन में ठीक कर दिए। ये एक तो उज्जाई करें, खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया बहुत खतरनाक होता है, त्रिकुटा, सोर्ट, पीपल, काली मिर्च, ये उज्जाई कर ले। और ये जो गरारे बताए थे आज, ये गरारे कर ले, एलोवेरा,
50 से 100 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सेधा नमक, 2-3 ग्राम उसे गरारा करें और उज्जाई करें। 100% स्नोरिंग स्लीप एपनिया और थायराइड तक अच्छा हो जाएगा। एक तो ये रोक करके दाई को बंद करके भाई से छोड़ना, आधा मिनट रोकना, फिर सिंहासन ऐसे। चलो करो सब, कफ कोल्ड के लिए भी बहुत जरूरी है। और सिंहासन के साथ साथ ये सर्वांगासन और हलासन ऐसे प्रारंभ या निरालम, ये सर्वांगासन और ये हलासन, ये बहुत ही जबरदस्त है जिनको भी ये प्रॉब्लम है जी स्वामी जी, स्नोरिंग की, स्लीप एपनिया की, थायराइड भी से ठीक हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त है। और जो कर सके तो ऐसे पीछे झुक गए ऐसे, और ऐसे ये मत्स्यासन भी कर लिया तो बहुत सारे उपाय बता दिए। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगले पड़ाव की ओर चलते हैं हम, क्योंकि पॉल्यूशन के रिस्क से बचने के लिए यौगिक उपाय तो आपने बता दिए, अब आयुर्वेदिक उपाय भी आप बता दीजिए, वो तमाम नुस्खे बता दीजिए जिससे घर पे बनाकर पीने से लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ देखो, एक तो सुबह उठ करके जो जवान बच्चे है ना उनको दौड़ लगानी चाहिए। दौड़ लगाने से जिनके नाक बंद रहते हैं उनके नाक एकदम खुल जाते हैं। और एक तो हमने उपाय बताया हुआ है जो अभी मैं बता रहा था कि जिनको भी कफ कोल्ड है, प्यास लगे तो दिव्य पे और स्वासारी पिए, और जब भी भूख लगे तो चना या और खजूर ही खाएं, जो का डायबिटीज वालों को छोड़ करके, नहीं तो चने की रोटी खा लें। और दूध के अंदर देखो, दूध उबल रहा है, गाय माता का दूध है, अब इसको यह हल्दी को कद्दूकस करके ऐसे डाल दिया। अब ये गोल्डन मिल्क ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसमें यदि केसर भी कोई डाल ले, अब जिसके पास थोड़ा जुगाड़ हो, पैसे हो, तो वो ये कर सकते हैं। पतंजलि केसर जो है वो हमने ये भी लोगों को शुद्ध उपलब्ध कराया है, तो आज तो थोड़ा सा लोगों को पिला ही देंगे हम ये पतंजलि केसर वाला दूध। और इसके अलावा देखो, ये अमाम दस्ते में हल्दी और केसर, आप देखो ये इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास दूध तैयार हो गया है, ये केसर वाला दूध। और इसमें घर में ये गिलोय, ये मुलैठी जो आप बता रहे थे, गिलोय, मुलैठी और 5-7 काली मिर्च जी, और थोड़ा ये तुलसी, इसको भी डाल करके और ऐसे कूट करके, और इसका भी काढ़ा बना लेते हैं। जिनको स्वासारी और दिव्य पेय आदि ना मिल पाए तो अपने घर में ही काढ़ा बना लेंगे, तो एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी तबीयत। और जी स्वामी जी, जब तक ये गोल्डन मिल्क और काढ़ा पककर तैयार होता है, तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। कल दिखाएंगे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से बॉडी कैसे करें प्यूरिफाई, लिवर, किडनी, लंग्स के टॉक्सिन्स शरीर से कैसे करें आउट, छठ के पहले दिन नहाए खाएं स्वामी रामदेव का डिटॉक्स उपाय, कल देखना ना भूलिएगा ये विशेष कार्यक्रम जी। स्वामी जी तैयार हो गया तो देखो, हल्दी वाला और केसर वाला गोल्डन मिल्क तैयार हो गया, ये काढ़ा भी तैयार हो गया है, और पीने वाले तो बहुत देर से बाट जो रहे कि कब मिलेगा हमको ये, तो ये तो ऐसे, ये तो दूध पिए, और ये च्यवनप्राश, ये एक चम्मच च्यवनप्राश ऐसे खा लेंगे जी, दूसरों को खिलाने से अच्छा है अपने आप ही खा लो, दूसरों को खिलाने। और बहुत धन्यवाद स्वामी जी जी। तो आज के उपाय जानकर के पूरे हिंदुस्तान के फेफड़े मजबूत होंगे, बोलो भारत माता की जय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।